हेलो दोस्तों, कैसे हैं? होप सो मेरे सारे दोस्त अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम अजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाला है, कुछ खास होने वाला है और आज की वीडियो थोड़ा अर्निंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आप भी मोटिवेट हो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, तभी तो आपको पता चलेगा भाई यूट्यूब पे कितनी अर्निंग होता है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, कौन से टॉपिक सबसे बेस्ट रहता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आप लोग को वहां बताऊंगा कि विजय रिया ब्लॉग महीने में कितना कमाते हैं। विजय रिया को तो आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि बहुत वायरल एक ब्लॉगर है, डेली लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं। तो आज हम उनके अर्निंग के बारे में जानेंगे कि वो महीने में कितना कमाते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ आएगा, तभी आप काफी मोटिवेट भी होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं उनका यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। चलो मैं अपने यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया और यहाँ सर्च कर लेंगे हम विजय रिया ब्लॉग। विजय रिया को ब्लॉग उनका चैनल ओपन करता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट में चैनल आ गया, हम इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि उन्हें डेली लाइव ब्लॉग बनाते हैं, ये देख सकते हैं 14 घंटा पहले 3,70,000 से ज्यादा व्यूज आ गए। फाइनली न्यू गेट लगा ही दिए, गुड़ दूध का स्वादिष्ट भात, न्यू गेट आ गया, सलवार सूट में रिया जी कैसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे वो ब्लॉग बनाते भाई, जो डेली लाइफ में करते हैं उसी को वही ब्लॉग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनका वीडियो पे चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे इनका वीडियो ऐसे हैं जिसमें खाना बना रहे हैं, किसी में कुछ और कर रहे हैं, किसी में घर बना रहे हैं, मिट्टी का घर बना रहे हैं। मिट्टी का घर बनाते बनाते इन्होंने इतना वायरल हुआ कि भाई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इनका सबसे पहले इनका चैनल दिखाता हूँ, चैनल कब का बना हुआ है। चलो मैं अबाउट सेक्शन पे चलता हूँ और यहाँ इनका चैनल यहाँ देख सकते हैं कि 15 जनवरी 2022 को इनका चैनल बना है। अभी 2022 से चल रहा है भाई, लगभग एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ है और काफी ज्यादा ग्रो किए। इनके वीडियो पर व्यूज भी काफी ज्यादा आता है, देख सकते हैं 3 लाख 3 लाख 7 लाख 9 लाख 3 लाख 7 लाख, हर 11 लाख, हर एक वीडियो पर यानी मिलियन क्रॉस कर ही जाता है। किसी किसी वीडियो में मिलियन क्रॉस नहीं करता, तो हर एक वीडियो पर मिलियन क्रॉस कर जाता है, इतना काफी ज्यादा व्यूज आता है इनको वीडियो पर। न्यू स्कूटी लिए, उसका भी ब्लॉग बनाकर डाल दिए, मेरा न्यू स्कूटी आ गया भाई, कार लेने जा रहा, तो कार का भी वीडियो बना दे, माय न्यू कार, तो आज हम कार लेने जा रहे हैं, इस तरह से वो ब्लॉग बनाकर डालते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि खाना बना रहे हैं क्या क्या, उसका भी ब्लॉग बनाकर डाल दिए। तो पहले मैं तो इनका वीडियो दिखा दिया, अब हम इसके बात करेंगे इनके अर्निंग के ऊपर कि महीने में कितना कमाते हैं। तो मैं इनका अर्निंग बताऊंगा सोशल ब्लेड के थ्रू कि महीने में कितना कमाते हैं। तो सबसे पहले मैं सोशल ब्लेड वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, लिख सकते हैं सॉरी सोशल ब्लेड। तो इनका यूट्यूब का अर्निंग चेक करना है, ये देख सकते हैं, हम फिर यहां सर्च करेंगे विजय रिया ब्लॉग, विजय रिया ब्लॉग लेकर हम यहां सर्च कर लेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि उनका चैनल ओपन हो चुका है सोशल ब्लेड के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं उनका मंथली एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग दिखा रहा है 6,000 से लेकर 1,11,000 तक। ये अर्निंग बिल्कुल फेंक होता है भाई, ये अर्निंग के ऊपर कोई भी यकीन मत करना, क्योंकि ये अर्निंग को मैं चेक करने लगूँ तो भाई 20-25-30 लाख पार हो जाएगा, तो उतना इतना जल्दी कोई भी अर्निंग नहीं कर सकता, तो ये अर्निंग बिल्कुल फेंक है। तो उनके महीने में कितने व्यूज आते हैं हम उनके हिसाब से अर्निंग निकालेंगे आज। तो यहाँ देख सकते हैं कि 27.791 मिलियन महीने में व्यूज आते हैं। चलो मैं इसको ओनली 27 मिलियन ही कैलकुलेट करता हूँ, 27 मिलियन का कितना हो जाएगा 2,70,00,000 लगभग। 2,70,00,000 को अगर मैं पिछले वीडियो में एक बताया था कि जिसका पुराना ब्लॉग चैनल रहता है उनको 3,000 व्यूज पे $1 बनता है, तो इनका अभी करीब न्यू चैनल है, तो चलो मैं इनका एस्टिमेट मान लेता हूँ कि 5,000 व्यूज पे $1 बनता होगा। तो 27 मिलियन का हो जाएगा 2,70,00,000 व्यूज। तो 2,70,00,000 को हम 5,000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि न्यू ब्लॉग चैनल पर लगभग 5,000 व्यूज पे $1 ही बनता है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं, और मैं यहाँ 2,70,00,000 लिख देता हूँ, 1,2,3,4,5
दो करोड़ 70 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 5,000 से, तो इनका डॉलर निकल कर आ जाएगा कितने डॉलर बनता है। देख सकते हैं महीने में 5,400 डॉलर यहाँ बता रहे हैं, तो 5,400 डॉलर को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं कितना होता है। तो 5,400 डॉलर को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे 5,400, यहाँ देख सकते हैं कि 4,45,070 रुपये लगभग आ रहा है, यानी स्टूडेंट इनका अर्निंग महीने में 5 लाख रुपए होता है। और करते कुछ नहीं है, जो घर का काम करते हैं उसी को वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देते हैं, और इनका वीडियो काफी ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, काफी ज्यादा लोगों को सपोर्ट मिलना है और काफी ज्यादा लोगों को सपोर्ट भी मिला है। देख सकते हैं इनका यहाँ क्या डोसा वोसा दादाजी का फर्स्ट टाइम ऐसा खाना खिलाए, ऐसी ऐसी है ब्लॉग बनाते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस रेट आपके लिए हर तरह की वीडियो लाते रहूं। जय हिंद।